इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कसमकस एक बंगला ड्रामा है, ये मोहब्बत की एक ऐसी कहानी है जिसमें इश्क भी है और लाचारी भी, चुनाव की एक ऐसी जद्दोजहद जिसमें रिश्ते उलझते चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रमेश चौधरी लॉ का स्टूडेंट है, कलकत्ता में रहकर वकालत की पढ़ाई कर रहा है। यहाँ उसका एक दोस्त रहता है जोगीन, लोकल है, एक बड़े वकील का बेटा है, प्रोग्रेसिव फैमिली से है। जोगीन की छोटी बहन है हेमनलिनी, बहुत खूबसूरत है, रमेश उसे पसंद करता है। हेम के परिवार को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, रमेश एक अच्छा लड़का है, हेम चाहती है तो उससे शादी कर सकती है। आज हेम का जन्मदिन है, घर पर बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान रमेश का ही था। पार्टी में काफी लोग मौजूद हैं, पर ना जाने क्यों रमेश का अब तक कोई अता पता नहीं है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो नदारद है। तभी जोगीन का एक दोस्त अक्षय वहां पहुंचता है, बतलाता है रास्ते से गुजरते वक्त उसने देखा कि रमेश के घर पर ताला लटका हुआ है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि रमेश गांव चला गया है, उसके पिता ने उसे अर्जेंट गांव बुलाया था, पर बात क्या है मालूम नहीं, शायद इसलिए वो कल पार्टी में नहीं आ सका। अगली सुबह जब रमेश अपने गांव पहुंचता है, देखता है कि घर की सजावट हो रही है जैसे किसी के शादी की तैयारी चल रही हो, लगता है पिता ने दूसरी शादी की सोच रखी है। वैसे भी रमेश की माँ के गुजरे कई बरस हो चुके थे, पर जब वो अपने पिता से मिलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिता ने एक विधवा पर तरस खाकर उसकी बेटी से रमेश की शादी का वचन दे दिया है, बिना रमेश से पूछे उसकी शादी तय हो गई है। जब रमेश ने इस शादी से मना कर दिया, कहा कि वो कलकत्ता में किसी और लड़की से प्यार करता है, तब उसका पिता इमोशनल अत्याचार पर उतर आया, कहता है कि इससे एक गरीब विधवा का परिवार सुधर जाएगा। पर रमेश को इससे क्या, उसने साफ मना कर दिया। पिता को उम्मीद नहीं थी कि बेटा उसके फैसले की अनदेखी करेगा, अगर वो शादी के लिए नहीं मानेगा तो घर और जायदाद दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। रमेश सब छोड़कर घर से निकल गया, उसे घर और जायदाद नहीं चाहिए। पर घर से निकलते ही उस विधवा ने उसे रोक लिया, कहती है बाप बेटे को अलग करने का उसका कोई इरादा नहीं था, पर अब वो इतनी आगे निकल आई है कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो हम माँ बेटी को जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ेगी और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आखिरकार रमेश को उनकी बातें माननी पड़ी, पर इन सब के बीच उसके मन में हेम नलिनी का ख्याल घूम रहा था, वो कैसे उसका सामना करेगा, हेम के दिल पर क्या गुजरेगी। एक अजीब सी कसमसाहट है, पर अब चाहे जो भी हो शादी का दिन आ पहुंचा है। उस विधवा की बेटी सुशीला से उसकी शादी हो रही है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता है कि उसकी पत्नी कैसी होगी, उसने उसका चेहरा तक नहीं देखा है। जब शादी के बाद बारात लौट रही थी, अचानक बारिश तेज हो गई, नदी में तूफान उठने लगा, लगता है तकदीर को भी यह मंजूर नहीं है। नाव पलट गई और कई बाराती डूब कर मर गए, रमेश के पिता भी गंगा में कहां समा गए पता ही नहीं चला। एक बार के लिए लगा कि सब कुछ नदी में खो गया है, पर नदी ने रमेश को बख्श दिया। थोड़ी दूर में शादी का जोड़ा पहने उसकी पत्नी भी पड़ी है, जिंदा है और बहुत प्यारी भी, वो उसे लेकर कलकत्ता चला आया, पर इस बारे में हेम को लिखने या बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कलकत्ता में साथ रहते हुए उसके मन में हेम का ख्याल बार बार आ रहा था, इसकी यादों से निकलना इतना आसान नहीं था। उसने अब तक अपनी पत्नी सुशीला को पत्नी का दर्जा नहीं दिया है, पर जैसे जैसे समय गुजर रहा है रमेश को लगने लगा है जैसे कुछ तो सही नहीं है। सुशीला को लगता है कि उसकी शादी काशी के किसी डॉक्टर से हुई है, क्योंकि उसे शादी के पहले बताया गया था कि उसका होने वाला पति एक डॉक्टर है, तब उसे लगता था कि उसका पति कोई अधेड़ उम्र का आदमी होगा, पर रमेश बाबू तो जवान है, उसका पेशा भी अलग है। रमेश ने उसके साथ अब तक कोई संबंध इसलिए भी नहीं बनाया है क्योंकि उसे शक होने लगा है कि वो उसकी धर्मपत्नी है भी या नहीं। सुशीला का नाम भी सुशीला नहीं है, उसका नाम कमला है, वो कहती है कि यह नाम उसके मामा ने रखा है, उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, माँ बाप तो उसके बचपन में ही गुजर गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी का नाम तो सुशीला था और वो दोबागपुर से थी, जबकि कमला सागरबाड़ी की रहने वाली है। जब कमला ने उसे अपने गांव के बारे में बतलाया तो रमेश समझ गया कि उस दिन तूफान में केवल उसकी बारात नहीं डूबी थी, वो किसी और की पत्नी को अपने साथ ले आया है, पर उसने कमला को इस बारे में कुछ नहीं बतलाया।
वो तो बेचारी इतनी भोली है कि उसे ही अपना पति नरेनाक्ष चटर्जी मानती है। कई दिन गुजर गए पर रमेश ने कभी भी कमला के भोलेपन का फायदा नहीं उठाया। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर हेम से मिलने उसके घर चला गया। सोचा था कि हेम को सब सच बतला देगा, पर कैसे कहे उसे समझ में नहीं आ रहा है। उसका असमंजस, उसके चेहरे पर उदासी समझ से परे है। वो बिना कुछ कहे वापस चला आया। अगर उसे वापस हेम को पाना है तो कमला को खुद से अलग करना होगा। उसने कमला का एडमिशन एक कॉन्वेंट में करा दिया। वो वहाँ पढ़ा लिखा करेगी। उसने नन से भी बात कर ली है, वे उसे विधवा आश्रम में रखने को तैयार हैं। जब कमला कॉन्वेंट में है, उसने हेम से शादी की बात की। जितनी जल्दी हो सके उससे शादी करना चाहता है। पर एक दिन जोगीन का दोस्त अक्षय एक खबर लेकर उसके घर आया। बतलाता है कि उसकी बहन जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ एक नई लड़की आई है। वो कहती है कि वो रमेश की पत्नी है। जब ये बात हेम को पता चली, शुरू में तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। कहती है कि जब तक वो खुद नहीं कहेंगे मैं नहीं मानूंगी। पर यही सच है, कमला उसकी पत्नी है। जोगीन और अक्षय कमला को लेकर रमेश के घर पहुंच गए। पूछते हैं कि क्या यही तुम्हारा पति है? अब रमेश कुछ भी नहीं छुपा सकता है, सब कुछ जग जाहिर है। जब पूरी बात साफ हो गई, हेम सदमे में चली गई। कैसे उसका प्यार उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है? उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, खुद को प्यार का मरीज बना लिया है। इधर जब रमेश की पोल खुल गई, वो कमला को लेकर कलकत्ता से दूर काशी चला आया। सोचा था कि इसी हकीकत के तले अपनी पूरी जिंदगी काट लेगा। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, दूसरी तरफ हेम भी खुद को संभालने लगी थी। उसके भाई जोगीन ने अपने दोस्त अक्षय से उसकी शादी की बात की है, पर हेम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कब तक अतीत में जिएगी कहा नहीं जा सकता है। उसका मन अब भी भारी ही था। उसके पिता को लगा कि कलकत्ता से बाहर घूम आएगी तो मन हल्का हो जाएगा। उन्होंने अनजाने में ही काशी घूमने का प्लान बना लिया। दोनों बाप बेटी काशी के घाटों में घूमा करते हैं। यहाँ एक दिन उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। यहाँ का बड़ा फेमस डॉक्टर है, बंगाली है, इसलिए लोग उसे बंगाली डॉक्टर बुलाते हैं। उसने हेम के पिता की खांसी का इलाज भी किया। डॉक्टर की संगीत से भी जुगलबंदी है। कब बंगालियों की महफिल जम गई पता ही नहीं चला। डॉक्टर के गाने में एक अजीब सा भारीपन है, किसी को हमेशा के लिए खो देने का दर्द भी छुपा है। डॉक्टर बाबू हेम को उसी की तरह गम कमारा लगता है। दोनों का मिलन एक दूसरे के गम को भुलाने का अच्छा उपाय हो सकता है। हेम उसे पसंद करने लगी है। कॉन्वेंट में रहते हुए कमला ने थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लिया है। एक दिन उसकी तबीयत बड़ी खराब थी। शाम को जब तक रमेश वापस ना लौट आए, उसने कमला का ख्याल रखने की जिम्मेदारी पड़ोस की एक महिला को दे रखी है। जब वो कागज में कमला के लिए दोपहर का खाना लाती है, कमला की नज़र अचानक बंगाली में लिखे एक लेख पर जाती है। लिखा है कि नलिनाक चटर्जी की धर्मपत्नी कमला देवी मेरी हिफाजत में सुरक्षित है। रमेश ने इसमें कमला को आकर ले जाने की दरख्वास्त की है, अपना पता भी लिखवा रखा है। जब कमला ने ये लेख पढ़ा तो उसके दिमाग में सारी बात शीशे की तरह साफ हो गई। वो समझ गई कि उस दिन नदी के किनारे जिस आदमी ने उसे उठाया था वो उसका पति नहीं था। रमेश गलती से अपनी पत्नी समझकर उसे अपने साथ ले आया था, पर जब उसे पता चला कि वो उसकी पत्नी नहीं है, उसने उसे बिना बताए उसके असली पति के पास लौटाने की कोशिश की। यही वजह थी कि उसने कभी कमला के साथ कोई संबंध नहीं रखा। तब कमला को लगता था कि शायद रमेश बाबू उसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसे छूते भी नहीं हैं। कमला को हमेशा सब ने अभागन कहा था, जिसके पल्लू बंधे उसका नाश कर दें। उसके पैदा होते ही उसके माँ बाप मर गए। फिर जब शादी हुई उसी दिन नदी में तूफान आ गया, पति डूब कर मर गया। वो अपनी जिंदगी से बड़ी निराश थी, खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार समझती है। रमेश की जिंदगी में भी जो दुख था वो सोचती है कि उसी की वजह से है। अगर रमेश से रिश्ते में बंध गई तो शायद वो भी दूसरों की तरह मर जाएगा। उसने अब खुद को ही मार लेना बेहतर समझा। कमला चाहती है कि वो गंगा में डूब कर मरे। उसी दिन उसका अंत लिखा था। अपने पति के साथ उसे भी मर जाना चाहिए था। उसने गंगा में डूब कर आत्महत्या करने की कोशिश की। इधर रमेश उसे रात भर घाटों के किनारे लालटेन लिए ढूंढता रहा, पर कमला का कुछ अता पता नहीं चला। पर कमला डूबी नहीं थी, कुछ साधुओं ने उसकी जान बचा ली थी। वो अब भी बेहोश है, बुखार सर पर चढ़ा है। साधुओं को ये भी पता नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आई है। पर जब कमला को होश आया, उसने घाट को ही अपना घर बना लिया।
वापस रमेश के पास नहीं गई। जब कमला का कुछ अता पता नहीं चला, पड़ोसी ने रमेश को सलाह दी कि उसे कमला का अंतिम संस्कार करा के उसका श्राद्ध भी करा देना चाहिए। इधर गंगा के घाटों में रहते हुए कमला को पता चला कि यहाँ एक बंगाली डॉक्टर है, नाम नलिनाक चटर्जी है। वो समझ गई कि वो वही है जिससे उसकी शादी हुई थी। वे भी तब डूबे नहीं थे, पर अब पूरे एक साल बाद वो उससे कैसे कहे कि वो उसकी पत्नी है, इतने साल कहाँ रही, क्या किया। इसलिए तय किया कि बिना कुछ बताए एक नौकरानी की तरह नलिनाक्ष के घर में काम करेगी। उसने नलिनाक्ष की माँ से बड़ी जिद की कि वो उसे नौकरानी का काम दे दे। अब वो नलिनाक्ष के घर में एक नौकरानी है, छुप छुप कर अपने पति को देखा करती है, उनकी बातें सुना करती है। एक दिन जब वो सुनती है कि नलिनाक्ष को अपनी पत्नी को डूबने से ना बचाने का बड़ा मलाल है, तो उसके आंखों से आंसू फूट पड़े। उसे जैसे प्यार की तसल्ली मिल गई हो। पर उसने नलिनाक्ष को अपने बारे में नहीं बताया कि वो डूबी नहीं थी, अब भी जिंदा है और उसके करीब है। नलिनाक्ष की दूसरी शादी तय हो चुकी है। कमला उसकी खुशियों में बाधा नहीं बनना चाहती है। कुछ ही दिनों में नलिनाक्ष और हेम की शादी होने वाली है, पर जैसे तकदीर को हेम और नलिनाक्ष का मिलना मंजूर नहीं था। एक दिन घाट में घूमते घूमते हेम की मुलाकात अचानक रमेश से हो गई। वो कमला का श्राद्ध कराने यहाँ आया था। उससे मिलने के बाद हेम की जिंदगी फिर से एक अंतर्द्वंद में फंस गई। उसे लगा जैसे उसका प्यार वापस चला आया हो। रमेश की कहानी सुनने के बाद उसने नलिनाक्ष से शादी का इरादा छोड़ दिया। उसने तय किया कि वो नलिनाक्ष की माँ से बात करेगी, वो उसे जरूर समझेगी। हेम ने अपनी सारी कसमकस उसे सुना डाली। उम्मीद है कि वो और उसका बेटा उसे माफ कर दें, पर शायद यही सही फैसला था। आज नलिनाक्ष के घर में उसके एक नौकर ने कमला को फिर से नलिनाक्ष के कमरे में ताका झांकी करते देखा। उसे लगा कि उसने कुछ चुराया है, सो नौकर ने नलिनाक्ष की माँ से इसकी शिकायत कर दी। कमला के पल्लू में कुछ बंधा था, उन्हें लगा कि वो पैसे चुरा कर भाग रही है। लेकिन जब पल्लू का गांठ खोला गया तो इसमें पैसे नहीं थे, इसमें वही लेख था जो रमेश ने काशी के नलिनाक्ष को लिखा था। लिखा था कि उसकी पत्नी कमला मेरे पास सुरक्षित है। जब नलिनाक्ष ने ये लेख पढ़ा तो जैसे किसी सदमे में चला गया। उसकी पत्नी कमला तूफान से जिंदा निकल आई थी और किस्मत की लहरों ने उसे यहाँ उसके पास लापटका था, जैसे कुदरत यही चाहती हो। नलिनाक्ष ने लेख में लिखी सारी जानकारी क्रॉस चेक की और रमेश को अपने यहाँ बुलवा लिया। ये लेख उसी ने लिखा था। काफी जद्दोजहद और इंतजार के बाद किस्मत ने प्रेमियों का सही मिलन एक दूसरे से करा ही दिया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर की ये कहानी नौका डूबी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।